फ्रेंड, वेलकम टू माय इजी रेसिपी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीज़ चिली टोस्ट रेसिपी। तो हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी देख लेते हैं। बटर चाहिए, और हमको ब्रेड, और ये चार शिमला मिर्ची, ये कांदा, ये चार लहसुन की कली, दो हरी मिर्ची, और ये हमको ये चीज़ चाहिए, और ब्लैक पेपर और चिकन चाट मसाला। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम ये शिमला मिर्च को काट लेते हैं। ये शिमला मिर्च के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, हमको ये बहुत बारीक काटनी है, ज़्यादा मोटी मोटी नहीं रखनी है। अभी हम इसको कढ़ाई में ऐड करते हैं। ये हमने कढ़ाई में बटर ऐड कर लिया है, अभी हम इसमें शिमला मिर्च कटी हुई इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें नमक ऐड करते हैं थोड़ा। ये हमने लहसुन के और मिर्ची के थोड़े थोड़े पीस कर लिए हैं, अब हम इसके से शिमला मिर्च में इसको ऐड कर देते हैं। इसको हम इसमें थोड़ा ऐड करते हैं। ये चीज़ लिया है हमने, और अभी हम इसके छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं। ये हमने चीज़ के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये चीज़ हम इसमें शिमला मिर्च में इसमें हमने 3-4 मिनट के लिए इसको भून लिया था, अब ये चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने कांदे के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और ये थोड़ा चाट मसाला लिया, और ये इतना हमें 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा ब्लैक पेपर लेना है, और 1/2 चम्मच चाट मसाला लेना है। अभी हमको ये जो लिया है हमने सब इसमें ऐड कर देना है। ये 2 मिनट के लिए हमें इसे सारे सामान को इसमें मिक्स करना है, चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, सबको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अभी हम इसको ब्रेड में ऐड करते हैं। अभी हम इसको इस ब्रेड पर ऐसे अच्छे से लगा लेते हैं। देखो इसे करना है, इसके ऊपर दूसरा ब्रेड ऐड कर लेना है। हमने लो फ्लेम पे रखा है, अब इसमें बटर लगा लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से बटर लगाना है। अभी इसको हम ऐसे बंद करके इसको अच्छे से सेकना है, कम आँच ही रखनी है गैस की, लो फ्लेम। ये हमारे पास सैंडविच टोस्टर है, हम इसमें बना रहे हैं, और आप नॉन स्टिक तवा या कोई भी रेगुलर तवे पर भी इसे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा चीज़ की टोस्ट बनकर रेडी है, अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा चीज़ चिली टोस्ट बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।